वो यार क्या 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 नजारा है यार, सुपर्ब यार सुपर्ब। बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर आके, बहुत ही सुकून मिल रहा है। अभी अभी मैंने अपना एक वीडियो एंड किया और एक नया वीडियो बना रहा मैं। नमस्ते गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी भाई लोग सब मजे में होंगे। तो फिर भाई आपका भाई आ चुका है नासिक शहर में, अभी वो जा रहा है रामकुंड। पहले तो अपने अमृत धाम में जाएगा वो जुनेद भाई को पिक करने के लिए, और उसके बाद जाने वाला है रामकुंड और सुलगाइने यार, और देखेंगे यार जो मिलेगा सब देखेंगे। और इस ब्लॉग में, अभी के ब्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, तो गाइस ये ब्लॉग एंड तक देखिएगा। मिलते हैं आगे जाते हैं। हम आ चुके हैं फिर से रामवाड़ी में, और वहनी ब्लॉग में नहीं आना चाहिए इसलिए मैं उनको नहीं लूंगा। और वहनी अभी हमारे लिए गरम गरम खाना बना रही है और हम अभी खाना खाएंगे। बहुत दिक्कत भी होनी नहीं होगी ना मेरी वाली, जैसे रास्ते में ही लगा दी मैंने। ऑलराइट, तो फिर हम निकल रहे हैं अभी अमृत धाम के लिए। तो कैसे वैसे जैसे तैसे हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर एग्जाम सेंटर में। जुनेद भाई की एग्जाम पूरी तरह से हो चुकी है। जुनेद बाबू एग्जाम कैसी गई आपको? अभी हम एग्जाम देके आए और ये 45 मिनट हमारे लिए ऐसे थे जैसे कि हम एमपीएससी की दे रहे हैं। आप कौन सी एग्जाम दे रहे हैं वो तो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। रेलवे पुलिस फोर्स। बट आप तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं ना? आप तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मतलब होता है कि इंजीनियर नहीं हो पाई ओके, रेलवे पुलिस फोर्स की तो जरूरी है। अरे बाबा, मतलब आपके पास दो चॉइसेस है? पर हमारे पास तो एक ही चॉइस है भैया, अभी हम क्या कर सकते हैं? हमारे जुनेद भाई तो लग जाएंगे पुलिस फोर्स में, हम क्या करेंगे? हम तो YouTube पर डालेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आगे हम इस छोटे से कैमरे से कपल कुपल के वीडियो डालते भैया, ऐसी बात नहीं है। हम तो बस अभी हमारे जो डेली लाइफ में जो चलता है हम उसकी ब्लॉगिंग डालते हैं। आप इंजीनियर ब्लॉग YouTube में सर्च कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो मैं गाड़ी निकालती अपने को जाने का एक्सप्लोर करने के लिए गोदा पार्क और सुलगाइने यार्ड। अरे नजदीक ही है, 10 किलोमीटर है। अब ये धीरज भाई ने जुनेद भाई को यानी मुझे कैमरा दे चुके हैं, और अब ये धीरज भाई गाड़ी निकालते हुए सुलावाइन की ओर बढ़ते हुए। नहीं, पहले रामकुंड में जाएंगे उसके बाद सुलावाइन यार्ड में जाएंगे। रामकुंड ओके, पहले रामकुंड जाते जाते ही रास्ते में पंचवटी रामकुंड और सीताकुप और सब जगह जाएंगे। ओके चलो, फिर अभी गाड़ी के ऊपर मिलते सीधा ऐसे एंगल रख लो। हमारे इंडिया से जब खत्म हो जाएगी ना यार, तब भी हमारा इंडिया प्रगतिशील देश कहलाएगा। प्रगतिशील नहीं, समझदार देश, समझदार देश कहलाएगा। टॉप चाइल्ड लेबर ओके। ऑल राइट, तो फिर नासिक के रस्ते से आपका धीरे भाई मोटो व्लॉगिंग करता हुआ। अभी बढ़ते हुए गंगा घाट रामकुंड की ओर में आप देख सकते हैं भक्ति धाम। लास्ट टाइम में ये आते ही गया था बट इसके ऊपर कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाया। भक्ति धाम देख सकते हैं आप। गाड़ी के बारे में क्या बोले यार, इस गाड़ी ऐसी गाड़ी है, अभी देख ही लिया आपने लास्ट ब्लॉग में हमने दुलिया से पुणे तक इस गाड़ी में गए थे। गाड़ी मतलब बीस एक अच्छी नंबर गाड़ी है। थैंक यू सो मच। अभी इस गाड़ी हमको बार बार देगा अभी ये बंदा। पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर। जैसे ही हमने यहाँ पर एंट्री की तो एक अजब सी, मतलब बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग मेरे को यहाँ पर आके मिली।
तो भाई बात कुछ ऐसी है, हमारा जो डेली शेड्यूल रहता, जो हम हमेशा कॉलेज के लिए जाते, क्लासेस के लिए जाते, उसके अलावा जब हम कहीं कौन सी जगह पर, अनफॉर्चुनेटली क्यों ना कोई होगा, पर अभी आ चुके हैं यहाँ पर, तो फिर यार बहुत ही हैप्पी वाली फीलिंग यहाँ पर आके मिल रही है। क्या बोलते भाई आपको क्या है? बहुत ही मजा आ रहा है और बहुत ही सुकून मिल रहा है, सुकून मिल रहा है आने के बाद। ओके ओके ऑल राइट ब्रदर्स, तो फिर कभी आपने लाइव न्यूज रिपोर्टिंग देखी है? अभी देख लीजिए आप ये न्यूज 18 लोकमत का रिपोर्टर यहाँ पर संवाददाता के साथ बात करते हुए। पहली बार मैं लाइव देख रहा हूँ ये सब चीजें, अभी आप भी देख लीजिए। तो यहाँ पर कोपरे में आके मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। गाइस आपने जो पीछे वाले जो सीन्स देखे, न्यूज 18 चैनल का एक न्यूज रिपोर्टर जाके कुछ लोगों से पूछ रहा था कि आपकी निर्णय के बारे में क्या राय है, अभी ये जो चल रही सरकार इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो भाई कसम से बता रहा, वो जो लड़के है ना, जो भी बंदे वहां पर कुर्सियों के ऊपर, जुनेद भाई अपना प्रूफ, जो भी बंदे बैठे थे मतलब कुर्सियों के ऊपर, वो उन्हीं के बंदे थे, मतलब जिस पर हमें समझ में आया, ज्यादा तक हमें समझ में आया ओके, उन्हीं के बंदे थे। और मतलब वो क्या कर रहे थे, उनसे ही जाके पूछ रहे थे कि भाई ऐसा है भाई वैसा है, मतलब अभी आप कौन सी भी, मतलब अभी कौन सी भी पार्टी के एक लड़के को बैठा दो वहां पर, और वहां पर जाके बोलेगा वो भाई ये इस पार्टी के बारे में अच्छा काम किया है, इसने अच्छा काम किया है, मतलब न्यूज सब बहकावा है। जो भी जिसको भी मतदान करोगे अच्छे से करिएगा, बाकी कुछ नहीं यार, अपना ये टॉपिक अपना नहीं, ये बस बताना चाहता था, बता दिया। देख सकते हैं कहाँ पर आ चुके हैं हम। एक्चुअली गाइज मैं सभी जगह पे घूम रहा हूँ, बट जस्ट आपको नाम ही बता सकता, नीलकंठेश्वर मंदिर नासिक, बट इस जगह के बारे में पूरी जानकारी मेरे को नहीं है, क्योंकि मेरे कोई दोस्त जो यहाँ से बिलोंग करते वो भी नहीं है, जो कि मेरे साथ आए हुए हैं। तो भाई बस अभी के लिए इतना है, क्योंकि उसके बाद मैं जब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर आऊंगा, तो फिर यहाँ पर एक अच्छा वाला जो दोस्त जो इस सभी चीजों की जानकारी रखता हो उसके बारे में सब बताएंगे। तो फिर अभी मैं ठीक राम सेतु पुल के सामने है, और मेरे राइट साइड में नारू शंकर मंदिर, और मेरे लेफ्ट साइड में है चौरे रसपान गृह। तो अभी हम यहाँ पर आए रसपान करने के लिए, आइए आप भी रसपान करते हैं। तो अभी अभी मिल रही जानकारी के अनुसार हमारे अथर भाई ने हमें कॉल कर दिया है, और वो आ रहे हैं हमारे पीछे, ये जो बैंड पतक की कंपटीशन चालू है वहाँ पर वो आ रहे हैं, अभी हम उससे जा रहे हैं मिलने के लिए। तो फिर मिलने का सीन इसके आगे होगा, अब एडिटिंग करते हैं ना, हमको पता रहेगा। बाबू बाबू मिल गए बाबू, बड़े मुश्किल के बाद मिल गए भाई, काहे नहीं बाबा। हालात में आपको बता देता, हमारे अथर्व भाई अभी ज्योतिष जी से कुछ ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। देखो हमारे अथर्व भाई यहाँ पर बैठे हैं, देखते हैं कितनी बातें सत्य होती या नहीं होती, फिर लाना चालू। ऑलराइट गाइस, तो फिर बात कुछ ऐसी थी जो हमने बोला अथर्व भाई नहीं बोला हमने, यूट्यूबर अथर्व भाई बोला। क्या बोलते हैं, बराबर बोला था मैंने, ऐसे गलत नहीं बोलता मैं, इनके साथ बराबर बोलता। तो फिर अथर्व यूट्यूबर, इनका भी एक चैनल है भाई, आपका नाम
मेरा नाम है औरंगाबादी अथर्व, मतलब मेरा नाम अथर्व है और मेरे चैनल का नाम है औरंगाबादी अथर्व। ओके, तो जा सकते हैं आप यार, ऊपर अभी एक लिंक डिस्प्ले होगी उससे ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और भाई का चैनल देख सकते हैं यार। अपना भाई यार इतने दूर आया है औरंगाबाद से देखने के लिए। और इसी के साथ ये ब्लॉग यहाँ पर एंड होता है भाई। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। ये बात बोलना नहीं चाहता था पर बोल दिया भाई ने अपने। थैंक यू सो मच।